हेलो व्यूवर्स, मैं हूं जमील अहमद। तो आइए देखते हैं कि NIOS कौन कौन से कोर्सेज प्रदान करता है। सबसे पहला कोर्स है ओपन बेसिक एजुकेशन। इसके अंतर्गत छोटे बच्चों को हम एजुकेशन दिला सकते हैं, जैसे कक्षा एक से लेके और कक्षा आठ तक के बच्चे इस कोर्स के द्वारा अपनी एजुकेशन को पूरी कर सकते हैं। अब आते हैं NIOS के दूसरे तरह के कोर्सेज के बारे में। वैसे तो ये बोर्ड हर एज के बच्चों को एजुकेशन प्रदान कराता है, लेकिन मेनली प्रातः क्लास 10th और 12th के बच्चे ही इस बोर्ड से एजुकेशन लेते हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के छात्रों के लिए NIOS में कोर्सेज लेने के क्या क्या प्रावधान हैं। तो इसको समझने के लिए हम इस पूरे सिस्टम को चार स्ट्रीम में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 एंड स्ट्रीम 4। तो पहले बात करते हैं स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 की। दोस्तों, स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 ये उन छात्रों के लिए है जो कक्षा 10 और कक्षा 12 में रेगुलर एजुकेशन लेना चाहते हैं। इसके अंतर्गत उनको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना होगा, बुक्स यानी स्टडी मटेरियल उनके घर पे आएंगी, उनको NIOS द्वारा एफिलेटेड स्कूल्स पे जाके एग्ज़ाम देना होगा। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, उनके एग्ज़ाम भी होते हैं। यानी स्ट्रीम 1 और 2 में आपको हर महीने एक असाइनमेंट भी सबमिट करना होगा, जिसको ट्यूटर मॉक असाइनमेंट बोलते हैं। तो इस स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 में अगर आप आना चाहते हैं तो जान लीजिए कि ये रेगुलर कोर्स है और इसके अंतर्गत आपको वही सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी जो एक बोर्ड में। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे आपके अपने इच्छा के अनुसार सारी चीज़ें होंगी। आपको इसमें क्लासेस नहीं करनी, अन्यथा बाकी बोर्ड्स में अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको क्लासेस भी करनी होती हैं। तो दोस्तों, देखते हैं स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 क्या है। स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 के अंतर्गत वो बच्चे एनरोल कर सकते हैं जो या तो बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो गए हों या जिनकी कंपार्टमेंट हो। स्ट्रीम 3 में वो बच्चे एनरोल कर सकते हैं जो या तो क्लास 10th में फेल हो गए हों या फिर क्लास 10th में उनकी कंपार्टमेंट आई हो। स्ट्रीम 4 में क्लास 12th के बच्चे जो या तो फेल हो गए हों या उनकी भी कंपार्टमेंट आई हो। इन दोनों में वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो या तो क्लास 10th में हों या फिर क्लास 12th में हों। याद रहे, ये एक रेगुलर कोर्स नहीं है। स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 में एनरोल हुए बच्चों को कोई भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है। इसके अलावा उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम ज़रूर देने होंगे। स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 के अंतर्गत आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके अंतर्गत आपको कोई भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपको देने होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं वोकेशनल कोर्सेज की। इस कोर्स के अंतर्गत कोई भी छात्र अपनी स्पेशल स्किल को सुधार सकता है। इन कोर्सेज को करने के बाद उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं। इस कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट्स की आयु कम से कम 15 साल होनी चाहिए और कक्षा 10 पास होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि इन कोर्सेज के एग्जामिनेशन डेट्स क्या हैं। स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 की एग्जामिनेशन डेट्स हैं अप्रैल, मई, अक्टूबर और नवंबर, जबकि स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 की एग्जामिनेशन डेट्स इन 4 महीनों को छोड़ के बाकी सभी महीनों में होती हैं। इसीलिए स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 को हम ऑन डिमांड एग्जामिनेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी पहलू की। क्या इस बोर्ड से शिक्षा लिए हुए छात्रों को गवर्नमेंट जॉब में भी मौका मिलेगा या नहीं? तो बिल्कुल ना घबराएं, इस बोर्ड से पढ़े हुए छात्रों को भी गवर्नमेंट जॉब में पूरा पूरा मौका मिलता है और आप भी बाकी बोर्ड से पढ़े हुए छात्रों के समान पूरी तरह गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरने में एलिजिबल हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की और सारी वीडियोज़ के लिए जागरण जोश के स्कूल सेक्शन को विजिट कीजिए।